बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी, तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में गणित विषय में वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, प्रश्नावली 1.5 व कक्षा 10 में अंग्रेजी विषय में भोली भाग 2, 3 व 4। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के ऊपर संक्रियाओं की, जो हमारे लिए बहुत काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे की जब हम कक्षाओं में पढ़ाई करेंगे तब भी हमारे बहुत काम की आएगी। तो बच्चों अच्छे से समझिएगा इन्हें। देखिए बच्चों, तो देखिए संक्रियाओं की बात करें वास्तविक संख्याओं पर, तो हमारे पास ये 4 तरह की जो मेन संक्रियाएं हैं इन्हें हम समझ लेते हैं। जिसमें पहली संक्रिया कह रही है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी करा जाए तो अंडर रूट दोनों में एक जगह आ जाता है और क्या हो जाता है, ए बी। अब ये कैसे होता है ये चीज हम देख लेते हैं। बच्चों जैसे अंडर रूट का ए टू अंडर रूट का बी है, ये कितना हो गया अंडर रूट का ए बी। अब ये कैसे हुआ ये चीज देखनी है ना। तो बच्चों देखो, हमने पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा था इस तरह से, देखिए एक बार बच्चों, अंडर रूट का मतलब कितना होता है, घात 1/2, यही होता है ना। इसका मतलब यहाँ पे भी कितना हो गया, बी की घात 1/2। अब हमने पिछली कक्षा में एक संक्रिया पढ़ी थी कि अगर घात समान होती है तो जो आधार होते हैं वो गुणा हो जाते हैं, पढ़ी थी ना घातांक के नियम में। तो देखो घात समान है तो आधार क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो ए और बी को गुणा किया तो ए बी हो गया और घात दोनों में एक ही जगह पे लग जाएगी, तो घात एक ही जगह आ गई। और घात 1/2 का मतलब कितना होता है, अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट का ए बी ये बन गया। ठीक है, अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को गुणा किया जाए तो 3 और 2 को गुणा कर दीजिए और पूरे के ऊपर एक ही अंडर रूट लगा दीजिए, मतलब 3 दूनी 6 तो 6 के ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरी संक्रिया, देखिए दूसरे के अंडर रूट का 1/2 में अंडर रूट का बी। जैसे बच्चों अंडर रूट का 2 और अंडर रूट का 3 है तो क्या इसे एक साथ नहीं लिखा जा सकता अंडर रूट का 2/3? बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। और अगर इसको खोला जाए तो इसको इस तरह से भी तोड़ा जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है, विभक्त किया जा सकता है। ठीक है ना बच्चों। अच्छा देखिए, रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी बराबर ए माइनस का बी आ रहा है। बच्चों संक्रिया हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी कि ए प्लस बी को अगर a माइनस बी से हम गुणा करते हैं तो हमारे पास मिलता था क्या, बराबर में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर मिलता था ना, पढ़ी थी ना। सेम वही संक्रिया, बस फर्क कितना है, यहाँ पर a की जगह कितना है अंडर रूट ए और b की जगह कितना अंडर रूट बी है। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए माइनस का अंडर रूट बी। हल करेंगे तो a का स्क्वायर a की जगह अंडर रूट ए का वर्क कर दीजिए और b का स्क्वायर मतलब अंडर रूट बी का वर्क कर दीजिए, और हल करेंगे अंडर रूट ए का वर्क किया तो केवल कितना आ गया a और इधर कितना आ गया b। इसलिए इस तरह का बच्चों रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन कौन सी संक्रिया लग रही है यहाँ पर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी बराबर होगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी, संक्रिया यही लगेगी बच्चों। लेकिन छोटा सा परिवर्तन है, यहाँ पर a की जगह तो a ही दे रखा है लेकिन b की जगह कितना दे रखा है, अंडर रूट का b। तो a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों a की जगह कितना दे रखा है, a ही दे रखा है तो a का स्क्वायर, और b की जगह कितना दे रखा है, अंडर रूट बी का स्क्वायर कीजिए तो a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर और रूट b का स्क्वायर करेंगे तो केवल कितना बच गया, b। इसलिए हमारे पास यहाँ कितना मिल रहा है, a स्क्वायर माइनस का b। बच्चों ये 4 मुख्य तरह के सवाल हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए उदाहरण नंबर 12 हमें क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि 7√5 ये देखिए कहा गया 7√5, एक दे रखा 7/√5, √2+21 और पाई माइनस का 2। अपरिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है, क्या ये सभी संख्या अपरिमेय है या नहीं है। बच्चों अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है जिसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति होता है ना बच्चों। दूसरी चीज जिसके अंदर जो प्राकृत संख्या होती है इसका जो अंडर रूट होता है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। तो 5 एक ऐसी संख्या है जिसका जो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इसको हम हल नहीं कर सकते ना। तो अगर 7 को अगर हम इससे गुणा करेंगे, 7 एक परिमेय संख्या है लेकिन √5 का एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करते तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। इसका मतलब ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये 7 के अंदर हम √5 का भाग दे रहे हैं, 7 एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या के अंदर एक अपरिमेय संख्या का भाग दिया जाता है तो हमेशा जो संख्या मिलती है वो क्या है, अपरिमेय संख्या मिलती है। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। बच्चों √2 कैसी संख्या है, एक परिमेय अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के अंदर एक परिमेय संख्या को जोड़ा घटाया जाए तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसका मतलब ये भी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी हमें, ठीक है। बच्चों ये देखा पाई माइनस का 2, और बच्चों पाई अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका फिक्स मान नहीं होता दशमलव के बहुत सारे अंकों तक भी देखने पर। अच्छा पाई माइनस 2 अगर हम करें तो बच्चों पाई माइनस 2 तो पाई एक अपरिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या को अगर आप घटाते हैं तो भी आपको जो संख्या मिलती है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये सभी की सभी संख्याएं कैसी है, अपरिमेय है, ठीक है। आगे देखिए 13वां सवाल कह रहा है कि 2√2+5√3 और 2√2-3√3, √2 और -3√3 को जोड़ना है। सबसे पहले बच्चों अगर इस तरह के सवाल अगर जोड़ने के अंदर आते हैं तो ध्यान रखिएगा जिनका आधार समान होता है वही जुड़ते हैं। मतलब जैसे ही अंडर रूट 2 है, जैसे हम बच्चों 2x+5y होता था कि इसके अंदर मुझे ऐड करना है x+3y, तो x का पद x के साथ ही जुड़ता था और y का पद y के साथ ही जुड़ता था, घटता था ना। सिर्फ इसी तरह से अंडर रूट के पदों के अंदर होता है, जैसे √2 का पद है तो √2 के पद के साथ ही जुड़ेगा, अगर √3 का पद है तो √3 के पद के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा, इस चीज का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, ठीक है बच्चों। तो ये देखो ये दे रखा है 2√2 और ये कितना है, केवल 1√2, तो 2√2 के अंदर 1√2 को जोड़ा तो कितना हो गया, 2 और 1 √3 √2, ऐसे कैसे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे x क्या रहता था, एक कॉन्स्टेंट की तरह काम करता था, अचर पद था, सॉरी बच्चों x क्या था, चर पद था, इसका मान चेंज नहीं होता, तो ऐसे कैसे हम केवल कॉन्स्टेंट जो ये दे रखा है 1 और 2 3 इन्हीं को केवल बदलते थे, इन्हीं के मान को जोड़ते थे। तो यहां पर भी क्या करना है, केवल इनको नहीं छेड़ना, केवल इसके जो कौन क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई है, इनके जो गुणांक है हम केवल उन्हीं को जोड़ते हैं, है ना बच्चों। जैसे 2 और 1 को जोड़ा हमने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 5 में से अगर -3 किया तो 5 में 3 गया, कितना आया बच्चों, प्लस का आ गया ना, कितना 2√3। बस बच्चों इसी तरह से इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर, तो 3√2+2√3 इसका उत्तर हो गया, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, 6√5 और 2√5 को गुणा कीजिए। बच्चों देखो 6√5 × 2√5 को गुणा करना, बच्चों ध्यान रखिएगा एक अंडर रूट का पद केवल अंडर रूट के पद के साथ ही गुणा होता है और एक बिना अंडर रूट का जो पद है, मान लीजिए परिमेय संख्या के परिमेय से ही गुणा हो रही है यहाँ पे। तो 6 को अगर 2 से गुणा किया तो 6 × 2 = 12 और √5 को √5 से हम गुणा कर रहे हैं। बच्चों √5 को √5 से गुणा कर दिया, इसका मतलब कितना हो गया, √5 का वर्ग हो गया ना बच्चों, और √5 का वर्ग का मतलब कितना है बच्चों, 5, तो 12 × 5 कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, 60 आ जाएगा इसको हल करने पर, ठीक है बच्चों। आगे देखिए बच्चों ये कह रहा है कि 8√15 के अंदर 2√3 का भाग देना है, दे सकते हैं बच्चों। देखिए 2 से 8 तो कट गया, 2 चौक 8, अब ये 4 हो गया और इधर कितना हो गया, √15 के अंदर बटे में करना √3। बच्चों हमने देखी थी ना अभी एक प्रॉपर्टी, अगर √a/√b होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √a/b लिख सकते हैं ना। तो कितना हो गया 4, और इसको एक जगह कर लेते हैं, ये 15/3, तो इससे कट गया 3 × 5 = 15, केवल कितना हो गया 4√5 इसका उत्तर हो गया, ठीक है। आगे देखिए बच्चों निम्न व्यंजकों को सरल करना है कि 5√7 को गुणा करना है 2+√5, 5+√7 को हमें गुणा करना है 2+√5। बच्चों
अगर पिछली कक्षा की बात करें तो उसी तरह से खोलते हैं इसको। सबसे पहले 5 को किससे गुणा करेंगे, 2 प्लस रूट 5 से। उसके बाद प्लस का जो रूट 7 है इसको हम गुणा करेंगे 2 प्लस रूट 5 से। ठीक है बच्चों, तो देखो 5 को अगर 2 से गुणा किया जाए तो 5 दुनी 10, फिर 5 को अगर रूट 5 से गुणा किया जाए तो केवल आ गया 5 रूट का 5, प्लस रूट 7 को अगर हम 2 से गुणा करें तो कितना हो गया, 2 रूट 7 लिख सकते हैं ना बच्चों। और रूट 7 को अगर रूट 5 से गुणा किया जाए तो कितना हो गया, रूट 7 इंटू रूट 5, रूट 7 पंजे 35 हो गया, तो रूट 35 लिख सकते हैं ना बच्चों। देखिए जो परिमेय संख्या परिमेय संख्या के साथ ही जुड़ सकती है, और अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं के साथ तब जुड़ सकती है जब उनके आधार समान हो। मतलब ये जैसे रूट 5 दे रखा है तो रूट 5 वाले पद के साथ ही जुड़ेगा। देखो बच्चों 10 ऐसे कैसे आ गया, क्या इसमें से कोई सा पद ऐसा है जो जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा ना, तो इसे हम ऐसे कैसे रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अगला सवाल, 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5। बच्चों हमें इसको गुणा करना है, सरल करना है। अब देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखिए a प्लस रूट बी को अगर गुणा कर दिया जाए a माइनस रूट बी, तो इसका रिजल्ट आया था a स्क्वायर माइनस का b, यही आया था। a की जगह कितना दे रखा है 5, तो 5 का वर्ग माइनस b की जगह कितना है रूट 5, a स्क्वायर माइनस b, b की जगह कितना दे रखा है, केवल 5 दे रखा है, तो केवल कितना आ जाएगा 5। तो ये 5 का वर्ग कितना हो गया बच्चों 25, और ये माइनस का 5, इसको हल किया कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया। ठीक है, आ गया समझ में। आगे देखिए बच्चों, रूट 3 प्लस रूट 7 का वर्ग करना है बच्चों, तो ये a और ये b मान सकते हैं ना बच्चों। हमने एक सर्वसमिका पढ़ी थी कि a प्लस b का अगर होल स्क्वायर करते थे तो हमने पढ़ा था ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आता था, वही है बच्चों। इसी में मान रखना है, तो देखो a की जगह रूट 3 का वर्ग प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7 प्लस b का वर्ग, मतलब रूट 7 का वर्ग करना है। देखो रूट 3 का वर्ग क्या कितना हो गया 3, अब 2 बच्चों रूट 3 और रूट 7 को गुणा कर सकते हैं ना, कितना हो गया 7 21, तो रूट 21 हो गया, और प्लस रूट 7 का वर्ग कितना हो गया 7। किस किस को जोड़ सकते हैं, देखो 3 और 7 जुड़ सकता है ना, 3 और 7 कितना हो गया 10, प्लस कितना हो गया 2 अंडर रूट में 21। ठीक है, आगे देखिए हमें क्या करना है बच्चों, 11 माइनस रूट 7 और 11 प्लस रूट 7 को क्या करना है, गुणा करना है। सूत्र पढ़ा था अभी, सर्वसमिका पढ़ी थी, रूट ए प्लस रूट बी को अगर हम गुणा करते थे रूट ए माइनस का रूट बी, तो रिजल्ट क्या आया था हमारे पास, केवल ए माइनस का बी, यही आया था ना बच्चों। ए की जगह क्या दे रखा है 11, और बी की जगह कितना दे रखा है 7, इसका मतलब आंसर कितना हो गया 11 माइनस का 7 बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, आ गया। आगे देखिए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हर परिमेयकरण, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज़ है। अब हम क्यों करते हैं हर परिमेयकरण ये भी समझेंगे, और किस तरह से करते हैं ये भी हम समझेंगे। तो आइए समझते हैं इस सवाल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से। बच्चों देखो एक सवाल कह रहा है कि 1/√2 इसका हर परिमेयकरण करना है। बच्चों सामान्य भाषा में कहा जाए तो आप इतना सा समझ लीजिए, अगर किसी भिन्न के परिमेय संख्या के हर में एक अंडररूट का पद आ जाए, तो उस अंडररूट के पद को हटाने के लिए हम हर परिमेयकरण करते हैं, बस इतना सा ध्यान रखिए। ठीक है, अब कैसे करते हैं ये चीज़ देखिए बच्चों, अगर ये जो पद है ये सिंगल पद है, एक ही पद है नीचे, एक ही पदी है, तो सीधी सी एक पदी को ऐसे कैसे अंश और हर में गुणा कर देते, जैसे रूट दो एक ही पद है तो इसी को अंश और हर में गुणा कर दीजिए, कितना हो गया ऊपर कितना हो गया रूट दो, ऐसे कैसे रूट दो को रूट दो से गुणा कर देते तो कितना आ गया केवल 2 आ गया, बस। बच्चों अगर एक पद है तो इस तरह से आसानी से किया जा सकता है, लेकिन क्यों करते हैं, सामान्य सा आंसर देखा जाए तो अगर हर के अंदर अंडर रूट का पद है तो उस अंडर रूट के पद को हटाने के लिए हम केवल हर परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए बच्चों अगला सवाल कह रहा है 1/√3 इसका हर परिमेयकरण करें। बच्चों वो एक पदी था, ये द्विपदी है, अब इस तरह के पदी आ जाए द्विपदी त्रिपदी जो भी है, इनका अगर हर परिमेयकरण करना है तो बच्चों कैसे करना है, बच्चों देखिए इनका हर परिमेयकरण करते के लिए एक चीज का ध्यान रखना है कि जो पद दे रखा है 2+√3 दे रखा है, द्विपदी है, तो हमें क्या करना है, जैसे 2+√3 है तो इसका जिस विपरीत साइन वाला, जैसे 2-√3 इसका जो अपोजिट साइन वाला जो आंसर होगा, जैसे 2+√3 का विलोम देखा जाए तो कितना होगा 2-√3 का अंश और हर में गुणा कर देते हैं, इसका विपरीत साइन लेकर के अंश और हर में गुणा कर देंगे इसी को, बस इतना सा करना है। समझ आया बच्चों, तो 2+√3 को किससे गुणा करेंगे अंश और हर में, 2-√3
और 2 माइनस रूट 3 से। अब देखो होगा क्या इससे, देखो ऊपर कितना हो गया 2 माइनस रूट 3 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 2 माइनस रूट 3। नीचे क्या बन गया बच्चों, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, तो देखो a की जगह कितना दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया, इधर आ गया 2 माइनस रूट 3, इधर कितना आया 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 3, 4 माइनस के 3 को हल किया जाए बच्चे में कितना बचा 1। ठीक है, अब बच्चों आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा, बोला कि आपने इधर 2 माइनस रूट 3 से गुणा क्यों किया, यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 था, 2 प्लस रूट 3 से भी गुणा कर सकते थे, तो अब देखिए ऐसा क्यों नहीं किया हमने, इसको भी समझ लेते हैं। बच्चों देखिए अगर मैं यहां पर इसको 2 प्लस रूट 3 से अंश और हर में गुणा करता तो क्या होता बच्चों, ऊपर बन जाता 2 प्लस रूट 3, नीचे कितना हो जाता 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। बच्चों अगर हम केवल हर को हल करें तो देखिए हर कह रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर, तो 2 प्लस रूट 3 कितना हो गया 4 प्लस 2 दूनी 4 रूट 3 प्लस का कितना हो गया 3, कितना हो गया 2 प्लस रूट 3 बटे में कितना हो गया 4 और 3 7 प्लस का 4 रूट 3। बच्चों केवल यही कारण है इसलिए हम नहीं करते हैं, क्योंकि हर परिमेयकरण के अंदर हर के अंदर से अंडर रूट का पद हटाना होता है। अगर हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है तो पॉसिबल ही नहीं है, केवल इसी कारण से, इसीलिए हम इसके अपोजिट साइन वाले जो संख्या होती है उसी से अंश और हर में गुणा करते हैं जिससे वो साइन हट जाए अंडर रूट वाला पद। ठीक है बच्चों, आगे देखिए 5/√3 - √5 के हर परिमेयकरण करना है। बच्चों देखो ये है 5/√3 कितना दे रखा है √3 - √5, इसका हर परिमेयकरण मतलब साइन विपरीत साइन से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो मतलब कितना हो जाएगा √3 + √5 यहाँ पर, और इधर भी कितना हो जाएगा √3 + √5 से अंश और हर में गुणा कर दिया। ठीक है, अब बच्चों देखो हल करते हैं, 5 × ऊपर कितना हो गया √3 + √5, नीचे कितना हो गया बच्चों a - b × a + b, किसका सूत्र होता है a² - b² का, a कीजिए कितना √3, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए -√5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों तो 5 × √3 + √5 नीचे कितना हो गया √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 3 - √5 का स्क्वायर करेंगे 5, तो 5 × √3 + √5 बटे में 3 में से 5 का कितना आ गया -2। तो बच्चों आपके पास आंसर कितना आ गया, आप ये माइनस को ऊपर लगा सकते हैं तो यहाँ से हटा सकते हैं, तो -5/2 अंदर कितना हो गया √3 + √5। बच्चों ये हो गया इसका हल। अगला कह रहा बच्चों 20वां उदाहरण, 1/7 + √2 का हर परिमेयकरण करना है। तो बच्चों देखो 1/7 + √2 इसका हर परिमेयकरण करना है, मतलब साइन चेंज करके गुणा कर दे तो 7 - कितना हो जाएगा 3√2 से गुणा करेंगे, तो 7 - 3√2 से अंश और हर में गुणा कर दिया बच्चों। तो देखो कितना हो गया, ऊपर तो ऐसे कैसे 7 - 3√2 हो गया, नीचे कितना हो गया बच्चों a + b × a - b, a² - b² हो गया, तो a की जगह कितना 7, तो 7 का वर्ग -b² 3√2 का वर्ग, ये हो गया 7 - 3√2, 7 का वर्ग कितना होता 49 माइनस बच्चों 3√2 का वर्ग करें, देखो 3√2 का अगर वर्क करें बच्चों ये दोनों गुणा में है ना, और ध्यान रखिए अगर जैसे मेरे पास एक सवाल था ए बी का अगर मैं वर्क करूं तो ये होता है a² और b² दोनों के ऊपर, जितने भी पद होंगे उन सबके ऊपर ये घात लग जाती है अगर गुणा में होते हैं, तो इसका मतलब 3 का भी वर्ग होगा और √2 का भी वर्ग होगा, तो 3 का वर्ग हो गया 9 और √2 का वर्ग हो गया 2, तो कितना हो गया 18। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 3 × 9 = 18 हल करा जाए तो 7 - 3√2 बटे में कितना आ जाएगा 49 में से 18 गया कितना आ गया 31, ये आ गया बच्चों इसका आंसर। तो देखिए इसका पहला सवाल कह रहा है कि नीचे दी गई संख्या में बताइए कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय। बच्चों ये बताइए हमने क्या पढ़ा था, हमने जब परिभाषा पढ़ी थी परिमेय संख्या की तो क्या पढ़ी थी, उसके अंदर वे संख्याएं जिन्हें हम p / q के रूप में नहीं दर्शा सकते वही अपरिमेय संख्याएं होती है, जहां p और q पूर्णांक है और Q क्या होता है ≠ 0, यही पढ़ा था ना। अच्छा बच्चों देखिए जहां पर हमने एक और चीज पढ़ी थी वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, वो प्राकृत संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, उनका जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है अपरिमेय होता है। इसका मतलब ये 2 तो परिमेय है लेकिन ये माइनस का √5 ही क्या है
अपरिमेय। और किसी परिमेय संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वो संख्या क्या रहती है? अपरिमेय रहती है। इसका मतलब ये संख्या कैसी है? अपरिमेय है। कैसी है? अपरिमेय। आ गया बच्चों, अगला देखिए इसी का। क्या कह रहा है? 3 + √23 - √23 हमें बताना है परिमेय अपरिमेय। तो देखिए बच्चों, 3 + √23 - √23 बच्चों देखो ब्रैकेट हटाया तो ये √23 से √23 खत्म हो गया, केवल 3 बच गया। 3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है ना, तो ये क्या हो गया? कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। अगला क्या कह रहा है बच्चों? 2 √7 / 7 √7 बच्चों यहां पर आप √7 को √7 से खत्म काट सकते हो ना, या इसको ऐसे कहें तो ये 2 × √7 था, ये था 7 × √7, तो √7 से √7 क्या हो गया? कट गया, तो हमारे पास कितना बचा? 2/7। और 2/7 अपने आप में क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि ये किसके रूप में? P/Q के रूप में। ठीक है बच्चों, आगे देखिए 1/√2। बच्चों √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अगर एक परिमेय संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या का भाग दिया जाए तो संख्या कौन सी होती है? वह अपरिमेय ही रहती है। तो संख्या कैसे होगी? यहाँ पर रिजल्ट जो मिलेगा वो कैसा होगा? अपरिमेय। ठीक है बच्चों, देखिए अगला कह रहा है 2π। बच्चों जो पाई होता है ये अपने आप में एक अपरिमेय संख्या होती है, और किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो भी जो संख्या मिलती है वो कैसी होती है? अपरिमेय मिलती है। इसका मतलब 2π क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। आगे देखिए बच्चों, दूसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना, हमें केवल इनको सरल करना है। तो सबसे पहले 3 + √3 को इन्होंने कहा, 3 + √3 है बच्चों ये, इसको गुणा करना है आपको किसके साथ में? 2 + √2। तो कैसे करते हैं बच्चों? हमने सीखा था इस चीज को पिछली कक्षाओं में भी देखा और अभी भी देखा था कि सबसे पहले 3 को किससे गुणा करेंगे? 2 + √2 से। ब्रैकेट खोलेंगे ना इसी तरह से, प्लस √3 को हम किससे गुणा करेंगे? 2 + √2 के साथ में। देखो 3 को अगर 2 से गुणा करेंगे यहाँ से तो 3 × 2 = 6, और 3 को प्लस के √2 से गुणा किया तो कितना हो गया? 3 √2। प्लस इंटू प्लस, इसका साइन प्लस है। √3 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया बच्चों? 2√3 हो गया ना। और √3 को √2 से गुणा किया तो कितना हो गया? 3 × 2 = 6। √3 × √2 कितना हो गया? √6। बच्चों क्या ये जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ सकते, क्योंकि इसके लिए ये समान होने जरूरी थे। आगे समान नहीं है तो हम इसे जोड़ नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऐसे कैसे इसका आंसर हो गया। आगे देखिए बच्चों, 3 + √3 और 3 - √3। बच्चों हमने कुछ सर समीकरण देखी थी इसको हल करने के लिए, इस तरह के सवालों के लिए क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था ना a + √b हो, और अगर मल्टीप्लाई में हो a - √b, तो रिजल्ट जो आता है वो कितना होता है? a² - b होता है ना। a का मान यहाँ पर कितना है बच्चों? 3 का स्क्वायर हो गया। b का मान कितना है? केवल 3। ये भी रख दीजिए, 3 का वर्ग 9 - 3 कितना हो गया? 6 आ गया अपने पास आंसर। आगे देखिए बच्चों, √5 + √2 का होल स्क्वायर। बच्चों a + b का होल स्क्वायर पढ़ा है ना हमने, वही तो सूत्र कह रहा है ये कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a² + 2ab + b² यहाँ पर a की जगह क्या दे रखा हमें? √5, तो √5 का वर्ग हो गया, और b की जगह जो दे रखा हुआ है √2, 2 × √5 × √2 और +√2 का होल स्क्वायर हो गया। हो गया ना बच्चों? देखो √5 का वर्ग होता है 5 + 2, √5 × √2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? √10। और √2 का वर्ग करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? केवल 2। अब देखिए 5 और 2 कितना हो गया? 7 + √10। ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास? इसका आंसर हो गया है ना। आगे देखिए √5 - √2 को गुणा करना है √5 + √2। बच्चों सर समीका याद कीजिए कि a - b × a + b हमने पढ़ी, क्या रिजल्ट था इसका? a² - b² यही था ना। और हमने ऐसा भी देखा था कि अगर ये हो √a - √b और √a + √b दे रखा हो तो इसका रिजल्ट क्या पड़ा था? a - b देखा था। a की जगह क्या दे रखा? 5, और b की जगह कितना दे रखा है? 2, तो 5 - 2 कितना आ गया? इसका आंसर 3 आ गया। बस सिंपल है ना। अब देखिए सवाल नंबर कौन सा, 3 क्या कह रहा हमें? कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात π = c/d। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। बच्चों
क्यों ऐसा कहा गया बच्चों? देखो पाई बराबर सी अपॉन डी, अगर सी अपॉन डी को देखा जाए तो क्या लग रहा है, पी अपॉन क्यू के रूप में मतलब परिमेय। पाई बराबर आपको दे रखा है यहाँ पर सी बटे में डी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और सी बटे में डी किस तरह से लग रहा है, ये लग रहा है ना पी अपॉन क्यू के रूप में, मतलब ये परिमेय है ना, परिमेय संख्या। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था, जब ये चीज पढ़ी थी, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों पूर्णांक है। अब बच्चों ये कह रहा है कि यहां इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय, बिल्कुल सही बात है। बच्चों ये परिमेय तो तब होगा ना जब ये पूर्णांक होंगे। अगर ये मान लीजिए सी और डी दोनों पूर्णांक ही नहीं हुए, ये मान लीजिए या अंडर रूट दो हो गया, अंडर रूट तीन हो गया, कुछ भी हो गया, अंडर रूट का कोई सा भी पद हो गया, सी या डी दोनों में से कोई सा भी एक या दोनों ही अगर अपरिमेय हो गए तो ये अपने आप ही पाई अपरिमेय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को भाग करने पर ही तो ये अपरिमेय मिल रहा है, हमें पाई मिल रहा है। और एक कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है ये पाई का अपरिमेय होना यदि या तो सी या डी या दोनों क्या हो, अपरिमेय हो। क्या हो? अपरिमेय हो, मतलब या तो अंडर रूट का कोई सा पद हो, अंडर रूट दो, अंडर रूट तीन, अंडर रूट चार, या पूर्णांक नहीं हो, ये तभी पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, जब ऐसा होगा तब जाके ये अपने आप में अपरिमेय हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, सवाल नंबर चार कह रहा है संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित करना है। अब बच्चों देखो कैसे निरूपित करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक बच्चों 9.3 का एक रेखाखंड खींचा ए बी, 9.3 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींच लिया ए बी। ठीक है, अब बच्चों करना क्या है, इसको एक बार क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं हम इसको, एक सेंटीमीटर आगे ये एक रेखा ले ली, मान लीजिए इसी को और आगे बढ़ा दिया। अब बी से एक सेंटीमीटर दूर एक और पॉइंट लिया हमने, ये लिया सी, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो है एक सेंटीमीटर। कितनी है? एक सेंटीमीटर है बच्चे। तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया हमारे पास, ए से लेकर सी तक कितना हो गया, 10.3। कितना हो गया? 10.3। अच्छा बच्चों देखो, हमें रूट 9.3 को ड्रॉ करना है ना, सबसे पहले क्या करना होगा, जो बच्चों ए से लेकर जो सी है इसका लंब सम विभाजक कीजिए। आपको समझ आएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चों सबसे पहले क्या करना है, ए सी का लंब सम विभाजक, ए सी रेखाखंड का क्या करना है, लंब सम विभाजक किया, तो यहां से प्रकार को रखा और आधे से ज्यादा खोला, यहां काटा, इधर से एक बार इधर काटा, एक बार यहां से इधर काटा और एक बार इधर से काट दिया और इन दोनों को मिला दिया। ठीक है बच्चों, कर दिया। अच्छा देखिए, ये मिल गया इन दोनों का मध्य बिंदु, ये मान लीजिए ओ बिंदु है जो इन दोनों का मध्य बिंदु मिल गया हमें। अच्छा अब हमें क्या करना है बच्चों, इस ओ को केंद्र मानकर या तो ओ ए या ओ सी त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बनाना है यहाँ पर। तो मान लीजिए इसको केंद्र मानकर के एक अर्धवृत्त बना लिया हमने, यहाँ से ये मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा बच्चों, देखिए अब हमें क्या करना है, बी के ऊपर से एक लंब डालना है, बस लंब खींचना सीधी, स्केल रखिए और सीधा सा एक लंब खींच दीजिए यहाँ से, जो 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ यहाँ पर, ये बना दिया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा बच्चों अब आपको क्या करना है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को मेजर कीजिए, ये दूरी हमने मिला दी, ये दी बच्चों, ये इतनी दूरी लेनी है जो यहां से लेकर यहां तक हो, बस। ये क्या होगा बच्चों, ये वो पॉइंट होगा, ये वो बिंदु होगा जो 9.3 को दर्शा रहा है, ये वो बिंदु है जहां पर ये जो दूरी है ये है 9.3, ये जो पॉइंट है ये वो है 9.3 को जो दर्शा रहा है, ये होगा। अच्छा ये तो बच्चों हो गया इस अर्धवृत्त के ऊपर, लेकिन इसको अगर रेखा के ऊपर दर्शाएंगे तो करना क्या होगा बच्चों, हमें कुछ नहीं करना, ये पॉइंट मान लीजिए डी पॉइंट आया, तो ओ से लेकर डी तक का हमने प्रकार को खोला, चाप भर लिया यहां से लेकर यहां तक और एक चाप काट दिया, यहां से ऐसे लेकर के चाप काट दिया, यहां से प्रकार भरा और ऐसे कैसे चाप काट दिया उसको खोल करके, तो हमें करीब वो यहां पर मिलेगा रेखा के ऊपर, ई बिंदु के ऊपर। तो बच्चों जो ई बिंदु है ये क्या है, वो बिंदु है जो अंडर रूट 9.3 को हमें दर्शा रहा है, बता रहा है, अंदर इसका मान बता रहा है यहां पर। ठीक है,
तो हमें मिल गया बच्चों किसका अंडर रूट 9.3, कहां पर? संख्या रेखा के ऊपर इस तरह से दर्शाएंगे। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, पांचवा नंबर का सवाल कह रहा है निम्न के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हमें हर परिमेयकरण करना है बच्चों, हमने देखा था किस तरह से करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1/√7 इसका हर परिमेयकरण करना है। ये एक पद ही है तो करना क्या है, सीधा सीधा अंडर रूट 7 से ही गुणा करना अंश में और हर में। तो रूट 7 को 1 से गुणा किया, अंडर रूट 7 हो गया। अंडर रूट 7 को अंडर रूट 7 से गुणा किया, कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए 1/√7 माइनस का रूट 6 कैसा है, द्विपदी है ना, तो करना क्या होगा, साइन परिवर्तित कर दें तो रूट 7 प्लस रूट 6 से गुणा कर देंगे। और इधर भी रूट 7 प्लस का रूट 6 क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम हर परिमेयकरण कर रहे हैं। तो देखिए ऊपर तो ऐसे कैसे रूट 7 प्लस रूट 6 को 1 से गुणा किया तो रूट 7 प्लस रूट 6, नीचे क्या हो गया बच्चों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पढ़ा था ना अंडर रूट का ए माइनस का अंडर रूट का बी हो, अंडर रूट का ए प्लस का अंडर रूट का बी हो, तो रिजल्ट कितना हो जाता है, ए माइनस का बी हो जाता है। तो रूट 7 माइनस रूट 6 कितना बचा, ए की जगह 7, बी की जगह 6, कितना बच गया ऊपर, रूट 7 प्लस का रूट 6 बटे में कितना है, 1 आ गया। अगला देखिए 1/√5 प्लस का रूट 2, हर परिमेयकरण कर दें बच्चों। तो देखिए हर परिमेयकरण, तो क्या होगा इसका हर परिमेयकरण, रूट 5 माइनस रूट 2 से अंश और हर में गुणा कर दें। ठीक है, रूट 5 माइनस रूट 2 से गुणा किया, इधर आ गया अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 2, और इधर आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पिछले सवाल में देखा था ना ये क्या था, अंडर रूट का ए माइनस अंडर रूट का बी, अंडर रूट का ए प्लस अंडर रूट बी, कितना होता है, ए माइनस बी। ए की जगह कितना 5, बी की जगह कितना है 2, कितना हो गया 5 में से 2 गया 3, तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे में कितना हो गया, केवल 3। ठीक है, आगे देखिए चौथा 1/√7 माइनस का 2 दे रखा, तो 1/√7 माइनस का 2 हर परिमेयकरण कितना होगा, अंडर रूट का 7 प्लस का 2, अंडर रूट में 7 प्लस का 2 हो गया। क्या करना होगा बच्चों, याद है ना आपको, अंडर रूट में 7 प्लस का 2 ऊपर आ गया, नीचे कौन सा सूत्र, अंडर रूट का ए माइनस का बी अगर हो और अंडर रूट का ए प्लस बी से गुणा करें तो कितना हो जाता है, ए माइनस का बी स्क्वायर हो जाता है, ए माइनस का बी स्क्वायर। तो ए की जगह 7 है माइनस बी की स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो देखिए अंडर रूट 7 माइनस प्लस 2 बटे में 7 माइनस 4 कितना हो गया, अंडर रूट में 7 प्लस में 2 बटे में कितना आ गया, 3 आ गया, हो गया। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर जहां हम चर्चा करेंगे 1.6 के बेसिक्स और उसके सवालों के। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। बच्चों आज का अगला पाठ कक्षा 10 में अंग्रेजी विषय में भोली भाग 2, 3 और 4। जो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, भोली। हमने पिछले भाग में भोली के बचपन के बारे में जाना कि किस तरीके से वो अपने पालने से गिर गई थी और उसके सर पर चोट लग गई थी और उसी के कारण वो थोड़ी सी कम समझ वाली बच्ची बन गई। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि उसके पूरे शरीर पर चेचक के निशान थे और वो हकलाती भी थी, और इन्हीं कारणों से जो उसके पिता थे वो भोली को लेकर चिंतित थे। चलो आगे जानते हैं कि भोली के जीवन में और क्या क्या घटनाएं हुई। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। रामलाल जो थे वो चिंतित थे, वरीड होना यानी कि चिंतित होना। तो रामलाल की जो बाकी बेटियां थी रामलाल उनके लिए चिंतित नहीं थे, रामलाल वरीड थे, चिंतित थे भोली को लेकर। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। भोली में ना तो अच्छे लुक्स थे यानी कि भोली ना ही अच्छी दिखती थी, नॉर इंटेलिजेंस, ना ही उसके अंदर अक्लमंदी थी। इंटेलिजेंस क्या होता है, अक्लमंद या अक्लमंदी। भोली वॉज 7 ईयर्स ओल्ड वेन मंगला वॉज मैरिड। भोली की उम्र 7 साल की थी जब मंगला, मंगला कौन थी बच्चों, भोली की बड़ी बहन। तो भोली 7 साल की थी जब उसकी बड़ी बहन मंगला की शादी हुई। मैरिड का मतलब यहाँ पे क्या है, शादी हुई। द सेम ईयर उसी साल अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, एक प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए वॉज ओपन्ड, खोला गया, ओपन यानी कि खोला जाना, इन देयर विलेज, उनके विलेज में, उनके गांव में। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी।
और उसके ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी का मतलब क्या है? उद्घाटन समारोह। ओपनिंग यानी कि यहाँ पे ओपनिंग का मतलब है उद्घाटन, और सेरेमनी क्या होता है? समारोह। तो तहसीलदार साहब आए थे उस स्कूल के ओपनिंग सेरेमनी के लिए, उद्घाटन समारोह के लिए। ही सेड टू रामलाल, और तहसीलदार साहब ने रामलाल को बोला, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, एक रेवेन्यू ऑफिशियल होने के तहत यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, तुम क्या हो? रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रतिनिधि हो ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के, सरकार के। तो क्या हुआ बच्चों? हुआ ये कि जिस साल भोली की बहन मंगला की शादी हुई, उसी साल गांव में आए तहसीलदार साहब, और तहसीलदार साहब ने बोला कि तुम इस गांव के प्रतिनिधि हो, और प्रतिनिधि हो किसके? सरकार के प्रतिनिधि हो इस गांव में तुम। तो एक काम तहसीलदार साहब रामलाल को बोलने वाले हैं, वो काम क्या है वो हम जान लेंगे, पर पहले वर्ड मीनिंग्स याद करते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना कि वरीड का मतलब क्या होता है? चिंतित। इंटेलिजेंस यानी कि अक्लमंद। सेरेमनी होती है समारोह। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम गांव में सरकार के प्रतिनिधि हो, एंड सो, और इसीलिए यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, तुम्हें एक उदाहरण स्थापित करना होगा। एग्जाम्पल क्या होता है? उदाहरण। और सेट करने का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सेट करने का मतलब है स्थापित करना। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें गांव में एक उदाहरण स्थापित करना होगा फॉर द विलेजर्स, गांव वालों के सामने। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना ही होगा। दैट नाइट, उस रात, व्हेन रामलाल कंसल्टेड, जब रामलाल ने कंसल्ट किया, परामर्श किया हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ, शी क्राइड, वो बोली, आर यू क्रेजी, क्या पागल हैं? If girls go to school, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, who will marry them? उनसे शादी कौन करेगा? But रामलाल had not the courage to disobey the तहसीलदार। पर रामलाल में करेज नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, या साहस नहीं था। करेज का मतलब क्या होता है? हिम्मत या साहस। रामलाल में हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं थी कि वो डिसओबे कर पाए, अवज्ञा कर पाए तहसीलदार साहब की बात की। एट लास्ट, आखिरकार हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। अब पत्नी का जो सुझाव है वो हम जान लेंगे, पहले ये जानते हैं कंसल्टेड का मतलब। कंसल्टेड का मतलब होता है परामर्श लेना या परामर्श करना। करेज यानी कि हिम्मत या फिर साहस। डिसओबे, डिसओबे क्या होता है? अवज्ञा करना। तो पत्नी ने क्या परामर्श दिया? सेंड, भेज दो भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल में। एज इट इज, देर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, वैसे भी बहुत कम चांस है कि उसकी शादी हो पाएगी। विद हर अगली फेस, क्यों नहीं हो पाएगी शादी? क्योंकि उसका जो चेहरा है वो कुरूप है, एंड लैक ऑफ सेंस, और भोली के अंदर समझ की कमी भी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, जो स्कूल के अध्यापक हैं उनको चिंता करने दो भोली के बारे में। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड, रामलाल ने भोली से क्या किया? भोली को पकड़ लिया हाथ से, एंड सेड, और बोले, Come with me, मेरे साथ चलो, I will take you to school, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। भोली was frightened, भोली बहुत ज़्यादा डर गई, frightened हो गई, यानी कि भयभीत हो गई, डर गई। She did not know what a school was like, उसको नहीं पता था कि स्कूल किस तरह का होता है। She remembered, उसको याद था, how a few days ago, कि किस तरह कुछ दिन पहले, their old cow, उनकी बूढ़ी गाय, जिसका नाम क्या था? लक्ष्मी। उस बूढ़ी गाय का नाम था लक्ष्मी।
had been turned out of the house. उसको किस तरीके से घर के बाहर निकाल दिया गया था and sold और बेच दिया गया था. No, 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 no. She shouted in terror. तो भोली ने क्या किया? वो चिल्लाने लगी. Shout करना यानी कि चिल्लाते हुए बोलना. तो भोली terror के कारण, डर के कारण चिल्लाते हुए बोलने लगी, नहीं, नहीं, नहीं. And pulled her hand. और उसने खींच लिया अपना हाथ away from her father's grip. अपने पिता की ग्रिप से, पकड़ से खींच लिया अपना हाथ. तो यहाँ पे हमने जाना कि shouted का मतलब होता है चिल्लाकर बोलना, terror यानी कि डर, और ग्रिप होती है पकड़. तो बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं भोली. पिछले भाग में हमने ये जाना कि भोली के पिता उसको स्कूल में दाखिला करवाने ले जाना चाहते हैं, लेकिन भोली बहुत ज़्यादा डरी हुई है. उसको लग रहा है कि जैसे उसकी गाय लक्ष्मी को घर के बाहर ले जाकर बेच दिया गया, उसी तरह उसको भी घर से निकाल दिया जा रहा है. चलो जानते हैं कि क्या भोली स्कूल जाने को राजी होगी. What's the matter with you, you fool? shouted रामलाल. तो रामलाल ने शाउट करते हुए, चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारे साथ क्या समस्या है? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल. मैं तो तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूँ. देन ही टोल्ड हिज वाइफ. तब रामलाल ने अपनी पत्नी से बोला, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स. इसको कुछ उचित कपड़े पहना दो. और एल्स वरना, वॉट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस. क्या सोचेंगी दूसरी टीचर्स और स्कूल की बच्चियाँ हमारे बारे में, वेन, जब दे सी हर, वो उसको देखेंगी. किसको देखेंगी बच्चों? भोली को. न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली. भोली के लिए नए कपड़े कभी भी नहीं बनाए गए थे. द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स. भोली की जो पुरानी ड्रेसेस होती थी, भोली की पुरानी ड्रेसेस नहीं, जो पुरानी ड्रेसेस होती थी भोली की बहनों की, वर पास्ड ऑन टू हर, वही दे दी जाती थी भोली को. यानी कि भोली की तीन बड़ी बहनें थी, उनके जो भी पुराने कपड़े होते थे वो भोली को दे दिए जाते थे. नो वन केयर्ड टू मेंड. किसी को कोई चिंता नहीं होती थी कि ठीक करे और वॉश हर क्लोथ्स, और धो दे भोली के कपड़ों को. बट टुडे, पर आज, शी वॉज लकी. आज वो लकी थी, किस्मत वाली थी. टू रिसीव, कि उसको हासिल हुई. रिसीव हुई यानी कि प्राप्त हुई, हासिल हुई या फिर मिली. तो भोली बहुत किस्मत वाली थी आज, कि उसको आज के दिन हासिल हुई अ क्लीन ड्रेस, एक साफ ड्रेस, विच, जो कि हैड श्रंक, क्या कर गई थी? सिकुड़ गई थी. अब वो ड्रेस के बारे में हम जानेंगे. पहले ये जानते हैं कि शाउटेड का मतलब क्या है. शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाकर बोलना. डिसेंट का मतलब होता है उपयुक्त या फिर उचित. तो आज के दिन भोली बहुत ज़्यादा किस्मत वाली थी कि उसको एक साफ ड्रेस दी गई, विच हैड श्रंक, जो कि सिकुड़ गई थी. आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, कई बार धुलने के बाद. एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा. और अब वो चंपा को, यानी भोली की बड़ी बहन को, नहीं आ रही थी. शी वॉज इवन बेथ्ड. भोली को नहलाया भी गया. एंड ऑयल वॉज रब्ड. और तेल रगड़ा गया इन टू, किसके अंदर? हर ड्राई एंड मैटेड हेयर. भोली के रूखे और मैटेड यानी कि उलझे हुए बालों में तेल भी मसला गया. ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव. केवल तब उसने शुरू की बिलीव करना, शुरुआत की यकीन करने की. बिलीव करना यानी कि यकीन करना. तो केवल तब भोली को यकीन होने लगा दैट कि शी वॉज बींग टेकन, उसको ले जाया जा रहा है टू अ बेटर प्लेस, एक बेहतर जगह पर. देन हर होम, उसके होम से यानी भोली के घर से उसको एक ऐसी जगह लेके जाया जा रहा है जो कि बेहतर है.
When they reached the school, जब वो लोग स्कूल पहुँचे, the children were already in their classroom. जो बच्चे थे वो already यानी कि पहले से अपनी classroom यानी कक्षा में बैठे हुए थे. रामलाल handed over his daughter. रामलाल ने अपनी बेटी को सुपुर्द कर दिया to the headmistress. किसको सुपुर्द कर दिया? Headmistress को. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. अब चूंकि भोली को अकेला छोड़ दिया गया था, तो ये जो बेचारी बच्ची थी, वो देख रही थी अपनी headmistress को fear-laden, यानी कि डर से भरी हुई आँखों के साथ. तो यहाँ पे हमने कौन-कौन से meaning पढ़े? हमने जाना कि shrunk का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना. Matted यानी कि उलझा हुआ. फियर लेडन मतलब डर से भरी हुई. तो भोली देख रही थी अपनी हेडमिस्ट्रेस को एक डर से भरी हुई आंखों के साथ. देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स. वहां पर यानी कि स्कूल में सेवरल, सेवरल क्या होता है? कई. तो स्कूल में कई कमरे थे एंड इन ईच रूम और हर कमरों में गर्ल्स लाइक हर उसके जैसी लड़कियां स्क्वाटेड ऑन मैट्स. स्क्वाटेड यानी कि पालथी मारकर बैठना. तो उसके जैसी लड़कियां बैठी हुई थी पालथी मारकर मैट के ऊपर, चटाई के ऊपर. रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स. और वो लड़कियां क्या कर रही थी बैठ के? या तो वो किताबों से पढ़ रही थी और फिर या फिर वो स्लेट पर कुछ लिख रही थी. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner. तो उस headmistress ने भोली को बोला कि वो बैठ जाए एक corner में. Corner यानी कि कोना. ये बोला गया भोली को कि तुम एक corner में बैठ जाओ. In one of the classroom, किसी एक कक्षा में कोने में बैठने के लिए बोल दिया गया भोली को. भोली did not know what exactly a school was like. भोली को नहीं पता था कि स्कूल होता कैसा है. एंड वॉट हैपन्ड देयर और वहाँ पर क्या होता है. बट शी वॉज ग्लैड पर वो काफ़ी ग्लैड थी, प्रसन्न थी, खुश थी टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज. पर वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसने उसको मिल गई थी लड़कियाँ उसी के उम्र की प्रेजेंट देयर, जो कि उपस्थित थी. प्रेजेंट थी यानी कि उपस्थित थी वहाँ पर. शी होप्ड उसकी इच्छा थी दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स कि इन्हीं लड़कियों में से कोई एक माइट बिकम हर फ्रेंड, बन जाए उसकी मित्र. तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े? हमने जाना कि स्क्वाटेड का मतलब क्या होता है? पालथी. और ग्लैड का मतलब क्या होता है? खुश या फिर प्रसन्न. बच्चों हमारी कहानी चल रही है जिसका नाम है भोली. और अभी तक की कहानी में हमने ये जाना कि भोली के पिताजी उसको ज़बरदस्ती स्कूल ले गए हैं. अब स्कूल का माहौल बिल्कुल अलग है. भोली को नहीं पता कि स्कूल में असलियत में क्या क्या होता है, लेकिन जब वो आसपास की ढेर सारी लड़कियों को देखती है तो उसको लगता है कि शायद इन्हीं किसी लड़की में से कोई एक उसकी दोस्त बन जाएगी, है ना. वो बहुत ज़्यादा उसको नहीं, उसको कुछ भी एहसास नहीं है कि अच्छा स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जाता है या किस तरीके से पढ़ाया जाता है या अच्छा पढ़ाई होती भी है या नहीं होती या सिर्फ खेल कूद होता है. कोई भी आइडिया नहीं है उसे स्कूल का. लेकिन ज़बरदस्ती भोली के पिताजी तहसीलदार साहब की वजह से उसको स्कूल छोड़ गए हैं. चलो अब देखते हैं कि भोली ने किस तरीके से पढ़ाई शुरू की है, नहीं की है, ये सारी बातें हम कैसे जानेंगे? भाई वीडियो देखेंगे, कहानी का अगला पार्ट पढ़ेंगे, तभी तो जानेंगे ना. चलो देखते हैं, करते शुरू. द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग. तो जो क्लास में जब हेडमिस्ट्रेस ने भोली को बिठाया था, उस क्लास की जो एक टीचर थी वो कैसी थी? महिला थी. महिला टीचर थी, वो बाकी बच्चियों से कुछ बोल रही थी, ठीक है. अब वो क्या बोल रही थी ये बात भोली को नहीं समझ में आ रही थी. She looked at the pictures on the wall. उसने क्या किया? जो दीवार पे तस्वीरें लगी हुई थी उनको देखना शुरू किया. The colors fascinated her. वो जो रंग थे उन तस्वीरों में, उस वो कैसे क्या कर रहे थे? वो भोली को आकर्षित कर रहे थे. Fascinate करना मतलब आकर्षित करना.
The horse was brown, just like the horse on which the tehsildar sahab had come to visit their village. वो जो घोड़ा था, वो उसी भूरे रंग का घोड़ा था जिस पे तहसीलदार साहब गांव में आए थे. The goat was black, like the goat of their neighbor. और जो उसमें जो बकरी थी, वो बिल्कुल वैसी ही बकरी थी, उसी काले रंग की वैसी ही बकरी थी, जैसे कि उनके पड़ोसी के पास में है. The parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard. तो क्या है, वो जो parrot बना हुआ था, उसमें जो तोता बना हुआ था, वो भी बिल्कुल वैसे ही हरे रंग का था जैसा कि उनके आम के बगीचे में तोते होते हैं. orchard, orchard मतलब जो बगीचा होता है किसी फल का, है ना. कोई फल का बगीचा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्चर्ड बोलते हैं. तो भोली लोगों के पास में कैसा था, आम के बगीचे थे और उस आम के बगीचे में तोते आते थे और उन तोतों का रंग भी वैसा ही हरा था जैसा कि उस तस्वीर में. एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और उस तस्वीर में जो गाय बनी हुई थी वो बिल्कुल उसकी उस बूढ़ी सी गाय लक्ष्मी जैसी ही थी. कौन सी लक्ष्मी बच्चों, कौन सी गाय लक्ष्मी, जिसको कुछ दिन पहले ही बेच दिया गया था. एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर. और अचानक से, सडनली मतलब अचानक से, भोली ने, भोली का क्या किया, भोली का ध्यान गया, नोटिस्ड, भोली का ध्यान गया उसकी, किस बात पे ध्यान गया, कि जो उसकी अध्यापिका थी वो बिल्कुल उसके पास में खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी. स्माइलिंग एट हर मतलब उसको देखकर मुस्कुरा रही थी. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, तुम्हारा नाम क्या है. भो, शी कुडंट स्टैमर नो फर्दर देन दैट. तो क्या हुआ बच्चों, हम तो ये बात अभी तक भूल ही गए थे कि भोली क्या करती है, हकलाती है, स्टैमर करती है, हकलाती है. तो जब उसकी अध्यापिका ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तब वो अपना नाम बताना चाह रही थी, पर नाम भी क्या है, अपने हकलाहट के कारण वो पूरा नहीं बोल पा रही थी. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. तो क्या हुआ, अब वो अपना नाम तो पूरा बोल नहीं पाई, इस वजह से उसने रोना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से आंसू बिल्कुल उस बाढ़ की तरह, जो कि खुद बेबस है, उस बेबस बाढ़ की तरह बहने लग गए. हेल्पलेस मतलब बेबस. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. तो क्या हुआ बच्चों, उसने अपना सर नीचे करके क्या हुआ, वो उसी तरीके से उस कोने में सर नीचे करके बैठी रही. उसके अंदर हिम्मत भी नहीं थी, डेयरिंग मतलब डेयर करना मतलब हिम्मत करना, उसके अंदर इस बात की हिम्मत नहीं थी कि वो सर उठा के उन लड़कियों की तरफ देखे. क्यों, क्योंकि उसे पता था कि वो लड़कियां शायद अभी भी उसके ऊपर हंस रही थी. और वो लड़कियां क्यों हंस रही थी बच्चों, क्योंकि जब टीचर ने उसका नाम पूछा तब फिर क्या हुआ, उसने हकलाते हुए अपना नाम बोलने की कोशिश की, पर अपनी हकलाहट के कारण वो अपना नाम भी पूरा नहीं बोल पाई. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. तो क्या हुआ, जब स्कूल खत्म होने की घंटी बजी तो सारी लड़कियों ने क्या किया, वो जल्दी से, तेजी से जाने लगी क्लास से. स्करीड आउट, स्करीड आउट मतलब क्या होता है, तेजी से चलना या जल्दी जल्दी चल के निकलना. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि सारी लड़कियां तेजी से चल के क्लास से निकलने लगी. बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अपने उस कोने को छोड़ सके. हर हेड स्टिल लोअर्ड शी केप्ट ऑन सॉबिंग, उसका सर अभी भी झुका हुआ था और वो अभी भी लगातार रोए जा रही थी. सॉबिंग, सॉबिंग मतलब रोना, वो लगातार रोए जा रही थी भोली. तो क्या हुआ, ऐसे में उसकी टीचर ने उसका नाम पुकारा, भोली. द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, वो जो अध्यापिका थी उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा कोमल और कैसी थी, आरामदायक. सूदिंग मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा आपको आराम पहुँचाए.
तो ये आवाज़ जिस आवाज़ में टीचर ने उसका नाम पुकारा वो उसको बहुत ही ज़्यादा कोमल और आरामदायक लगी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। भोली की आज तक की पूरी ज़िंदगी में उसको कभी भी इस तरीके से नहीं पुकारा गया था। इट टच्ड हर हार्ट और इस चीज़ ने उसका दिल छू लिया। गेट अप, सेड द टीचर। और टीचर ने क्या बोला, उस अध्यापिका ने क्या बोला कि खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। जो टीचर ने बोला वो क्या था, एक कमांड नहीं थी। कमांड मतलब कोई हुक्म नहीं था कि खड़ी हो जाओ, वो क्या थी, एक दोस्ताना सुझाव था। फ्रेंडली मतलब एक मित्रवत, और सजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, सुझाव है ना, या प्रस्ताव। तो वो जो टीचर ने जो बोला खड़े होने के लिए वो एक हुकुम ना होकर क्या था, सिर्फ एक मित्रवत सुझाव था। क्या सुझाव था, ये सुनने के बाद कि भाई टीचर ने बोला है खड़ी हो जाओ, तो भोली खड़ी हो गई, बोली गॉट अप। नाउ टेल मी योर नेम। तो टीचर ने बोला अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। अच्छा देखो बच्चों, जो स्वेट ब्रोक आउट, स्वेट क्या होता है, पसीना। ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी का इस पूरे वाक्य का मतलब ये होता है कि वो पूरे उसका जो पूरा शरीर था उसके शरीर के पसीने छूटने लगे। हमारी कहावत है ना, पसीना छूटना है ना, बिल्कुल बस यही वही कहावत यहाँ पे इस वाक्य में बोली गई है। वुड हर स्टैमरिंग टंग वुड अगेन डिसग्रेस हर। क्या उसकी ये जो हकलाती हुई जबान है फिर से क्या करेगी, उसका अपमान कर देगी, डिसग्रेस कर देगी, अपमानित कर देगी है ना। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। लेकिन इस भली औरत के लिए उसने ये फैसला किया कि वो फिर से एक कोशिश करेगी। मेक एन एफर्ट मतलब फिर से एक कोशिश करना। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर। उस जो वो औरत है ना, वो जो शिक्षिका है उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा आरामदायक है कि वो शायद उस भोली का मजाक ना उड़ाए। भ भ भो भो शी बिगैन टू स्टैमर, पर फिर से वो हकलाने लगी। वेल डन वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। अब वो हकला रही थी तो टीचर ने क्या किया, क्या उसकी हंसी उड़ाई, नहीं, टीचर ने उसको और भी ज़्यादा प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया मतलब प्रोत्साहित किया, और प्रोत्साहित करते हुए क्या बोली, शाबाश अब अपना पूरा नाम बताओ। भो 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 भोली। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. आखिरकार वो अपना पूरा नाम बोलने में कामयाब हो गई और उसको ऐसा एहसास हुआ जैसे कि उसने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। रिलीव्ड, रिलीव्ड मतलब चिंता मुक्त हो गई, और अचीवमेंट मतलब क्या होता है बच्चों, उपलब्धि। तो भोली ने आखिरकार जब अपना पूरा नाम बोला तो वो एकदम चिंता मुक्त हो गई और उसको ऐसा एहसास हुआ जैसे उसने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली। तो टीचर ने क्या बोला, शाबाश, और ये बोलते हुए क्या किया बच्चों, पैटेड हर, पैटेड हर मतलब थपकी दी, और थपकी कैसे दी, अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली मतलब प्यार से है ना, प्यार से थपकी देते हुए फिर टीचर क्या बोली, और पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। टीचर ये बोली अगर तुम अपने अंदर से है ना, अपने दिल से ये डर निकाल दोगी तो तुम भी बाकी लोगों की तरह बोल सकोगी। तो बच्चों देखा जाए तो भोली का जो पहला दिन था स्कूल का, उसकी शुरुआत तो अच्छी नहीं थी। जब टीचर ने नाम पूछा तो वो हकलाने लगी और ये देख के बाकी सब लड़कियां उसका मजाक बनाने लगी। लेकिन जब सब चले गए तब टीचर ने फिर नाम पूछा और भोली भले ही हकला रही थी, टीचर फिर भी उसको उसका प्रोत्साहन बढ़ाने लगी। और आखिरकार जब भोली ने पूरा नाम बोला तो टीचर ने शाबाशी देते हुए क्या कहा उसको, कि अगर
तुम अपने मन से डर निकाल दो तो तुम भी बाकी लोगों की तरह बोल सकोगी। अब बोल सकेगी या नहीं बोल सकेगी ये सारी बातें हम जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में, तो बने रहिएगा बच्चों आप लोग मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा 9 में गणित विषय में वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं प्रश्नावली 1.5 व कक्षा 10 में अंग्रेजी विषय में भोली भाग 2, 3 व 4। प्यारे बच्चों पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए, इसलिए शिक्षा दर्शन आपके लिए हर शनिवार लेकर आए हैं नो बैग डे। यहाँ आप करियर से संबंधित जानकारी, क्राफ्ट कला, पपेट शो, जीवन कौशल व मनोरंजक कहानियाँ सुनेंगे, नई जानकारियों का लाभ व ढेर सारा मनोरंजन। नो बैग डे के साथ देखना ना भूलें शिक्षा दर्शन। बच्चों हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन एवं पिरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपने सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का पता है निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदयपुर 313001।